हेलो दोस्तों, IAS फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया अर्थात भारत में विश्व धरोहर स्थल के सूची के बारे में हम डिस्कशन करने वाले, जो UPSC और PGS एग्ज़ाम में वन लाइनर या फिर मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कम है तो इसके पूछे जाने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो साइट है वह है काजीरंगा नेशनल पार्क। यह कहाँ पे है? यह आसाम में है। और इसे कब नोटिफिकेशन मिला था, कब यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में आया था? 1985 में आया था। तो याद रखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, यह कब आया था, इसके बारे में UPSC नहीं पूछेगी, लेकिन किस राज्य में मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछती है। आपको ऐसे ही दो तीन और लिस्ट में दे देंगे, एक लिस्ट में नेशनल पार्क्स या फिर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इंडिया में वह, और कौन से स्टेट में है उसके सामने ये दे देगी और पूछ लेगी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड और अनमैच्ड। तो याद रखिए कौन से हेरिटेज साइट्स हैं और किस राज्य में है। जो लेटेस्ट रहेंगे, जो पिछले 3-4 साल या मैक्सिमम 5 साल का मैं आपको बोलता हूँ, 5 साल में जो भी लिस्ट में नए नाम आए हैं उसे तो ज़रूर याद रखिए वह किस राज्य में उपस्थित है। तो आगे लिस्ट में हम देखते हैं, दूसरा है केवला देव घाना नेशनल पार्क। तो केवला देव घाना नेशनल पार्क यह राजस्थान में, इसे भी 1985 में नोटिफाई किया गया था। इसके अलावा तीसरा है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आसाम में है और इसे भी 1985 में नोटिफाई किया था। इसके एरियाज़ भी हैं लेकिन एरियाज़ उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको इस वीडियो में मैं लिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि यही लिस्ट आपको काम आएगा। आप एक मैप बनाइए या फिर इंडिया का मैप रहेगा, उस जो भी स्टेट रहेंगे उसमें आप इसे लोकेट कर दीजिए, क्योंकि मैप से समझना ज़्यादा ईजी होगा। तो हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। तो यह उत्तराखंड में है और इसे 2005 में नोटिफाई किया गया था। नेक्स्ट है लिस्ट में हमारे सुंदरबन नेशनल पार्क। तो सुंदरबन नेशनल पार्क यह वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है और इसे 1984 में नोटिफाई किया गया था। नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट जो है वह एक राज्य में नहीं है। UPSC अभी 2017 या 2018 में भी क्वेश्चन पूछ ली थी कि वेस्टर्न घाट 4 या 5 राज्यों से जाता है, हिमालय ग्रेट हिमालय 4 या 5 राज्यों से जाता है, और स्टेटमेंट में दे दिया था ये दोनों और ऑप्शन बोल दिया था कौन सा सही है। ऑप्शन था A1, B2, C both 1 and 2 and D1 neither 1 nor 2। तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, PCS एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो याद रखिए वेस्टर्न घाट किन किन राज्यों से जाता है, तो महाराष्ट्र से जाता है, गोवा से जाता है, कर्नाटका से जाता है, तमिलनाडु में भी है और केरला में। टोटल 5 राज्यों में, 1, 2, 3, 4, 5, यह 5 राज्यों में है, इतना याद रखिए वेस्टर्न घाट 5 राज्यों में है और इसे 2012 में नोटिफाई किया गया था। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यह हिमाचल प्रदेश में है और इसे 2014 में नोटिफाई किया गया था। तो यह मैंने जैसे आपको बताया था कि पिछले जो 5 वर्ष के वह तो आप ज़रूर याद रखिए, तो यह 2014 में किया गया। तो अभी से अगर 2019 से काउंट करेंगे तो 5 वर्ष के अंडर में आता है। तो इसे आप ज़रूर मैप में स्टार मार्क कर लीजिए कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। अब हम कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में जानेंगे। इसमें कुल 29 साइट्स हैं और एक एक करके हम देख लेते हैं। तो इस कड़ी में पहला जो है वह आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट कहाँ पे है, तो आगरा फोर्ट यह उत्तर प्रदेश में है, इसे 1983 में नोटिफाई किया गया था। नेक्स्ट है अजंता केव्स। अजंता केव्स चाहे वो प्राचीन भारत से संबंधित हो, चाहे लोकेशन वाइज हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हेरिटेज साइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो और इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक से भी इम्पोर्टेंट है। तो अजंता के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसके बारे में ज़रूर पढ़िए। यह महाराष्ट्र में है याद रखिए और इसे 1983 में नोटिफाई किया गया था। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स एट सांची। तो सांची में जो बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट है
उस वह कहाँ पे है? तो सांची कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो यह मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और इसे 1989 में नोटिफाई किया गया था। नेक्स्ट है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। तो चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है वह गुजरात में है, इसे 2004 में नोटिफाई किया गया था। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसे पहले हम विक्टोरिया टर्मिनस कहते थे, लेकिन अभी पिछले वर्ष इसका नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कर दिया गया है, यह आप ज़रूर याद रखिए। तो यह महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, और इसे भी 2004 में नोटिफाई किया गया था। देन नेक्स्ट है चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। तो नाम में ही चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा है, तो सिंपली ये गोवा में है और इसे 1986 में नोटिफाई किया गया था। नेक्स्ट है एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स भी आर्ट एंड कल्चर प्राचीन भारत से रिलेटेड है, इसलिए यह भी इम्पॉर्टेंट है। यह भी महाराष्ट्र में है, मुंबई से सटा हुआ एक द्वीप है, वहाँ पे है ये उपस्थित है, और 1987 में इसे नोटिफाई किया गया था एज अ हेरिटेज साइट्स के लिए। नेक्स्ट है एलोरा केव्स, यह भी अजंता एलोरा केव्स। ये सब आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस यहाँ से क्वेश्चन बनते ही याद रखिए। यह भी महाराष्ट्र में है और इसे 83 में नोटिफाई किया गया था। नेक्स्ट है फतेहपुर सिकरी, जो कि उत्तर प्रदेश में है और इसे 1986 में नोटिफाई किया गया था। अगला है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। तो चोला टेम्पल जो चोल साम्राज्य द्वारा बनाया गया टेम्पल्स है, यह तमिलनाडु में है, 1987 में इसे नोटिफाई किया गया था। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट हम्पी। तो हम्पी में जो मोनूमेंट्स है, एक समूह है मोनूमेंट्स का, वह कहाँ पे? हम्पी कहाँ पे पहले? तो हम्पी कर्नाटका में है और इसे भी 1986 में नोटिफाई किया गया था। याद रखिए हम्पी कर्नाटका में है, तो इसके जो भी मोनूमेंट्स है, समूह हैं, मूर्तियाँ हैं जो, वह कर्नाटका में है। और नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट महाबलीपुरम। महाबलीपुरम से रिलेटेड यह जो आपको भी टेम्पल्स मोनूमेंट्स के बारे में भी ये जो तीन चार आपको दिख रहे हैं, यह आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे महाबलीपुरम पे तो आर्ट एंड कल्चर पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो मूर्तियों से रिलेटेड हो, चाहे वो रथ के बारे में पूछा जाए। तो याद रखिए यह तमिलनाडु में, महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में, इसे 1984 में मिला था। और नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट पट्टदकल। तो पट्टदकल यह कर्नाटका में है, इसे 1987 में विश्व धरोहर की सूची में डाला गया था। नेक्स्ट है हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान। नाम में ही राजस्थान आ गया, तो राजस्थान में जो पहाड़ी किले हैं उनके बारे में है। तो यह राजस्थान में कहाँ कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, रणथंबोर है, अंबर है, फिर जैसलमेर में है, गागरन में जो किले हैं, तो यह सब मिला के यह सब कहाँ पे है? तो यह सब हिली रीजन में है, जैसे अरावली राजस्थान से गुजरता है, तो अरावली जो श्रेणी है उसी में यह सब उपस्थित है। और यह ऊंचाई पे बनाने का एक मकसद जो था वह रक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से था, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से था। और ये जो राजस्थान के जो भी पहाड़ी किले हैं उन्हें 2013 में नोटिफाई किया गया था। नेक्स्ट है हुमायूं टॉम। तो हुमायूं का मकबरा जो है वह दिल्ली में उपस्थित है और इसे 1993 में नोटिफाई किया गया था। नेक्स्ट है खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स। तो खजुराहो कहाँ पे? खजुराहो मध्य प्रदेश में है। यहाँ यह जो है वह मंदिर, अपने खजुराहो का जो मंदिर है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, रखिए, और 1986 में इसे नोटिफाई किया गया था। नेक्स्ट है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया। तो बोध गया का जो महादेव महाबोधि टेम्पल है वह बिहार में है, गया बिहार में है, इसे 2002 में नोटिफाई किया गया था। नेक्स्ट है माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जो पहाड़ी रेलवे है, पर्वती जो रेलवे है उसके बारे में है, तो यह तमिलनाडु में है और इसे भी 1999 में नोटिफाई किया गया था। नेक्स्ट है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में सब जानते हैं, कुतुब मीनार मेडिवल हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेटेड है, तो यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह दिल्ली में है, इसे भी 1993 में नोटिफाई किया गया था। नेक्स्ट है रानी की वाव। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हाल ही में जो नया 100 का नोट निकला है उसमें रानी की वाव का चित्र छपा हुआ है। तो रानी का वाव यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है,
इसका लोकेशन आप याद रखिए, यह गुजरात में है और इसे 2014 में नोटिफाई किया गया था, तो इसलिए भी है कि ये पे पिछले 5 वर्षों में इसे ऐड किया गया था। तो रानी की वाव पिछले वर्ष से न्यूज़ में है क्योंकि यह 100 रुपये के नए नोट में इसको शामिल किया गया, इसके फ़ोटो को, और यह गुजरात में है। नेक्स्ट है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, दिल्ली का जो लाल किला है वह, तो यह दिल्ली का लाल किला दिल्ली में ही है और इसे 2007 में नोटिफाई किया गया था। नेक्स्ट है रॉक शेल्टर्स ऑफ भीम बेटका, तो भीम बेटका में जो रॉक शेल्टर्स है वह कहाँ पे है, वह मध्य प्रदेश में है और 2003 में इसे नोटिफाई किया गया था। नेक्स्ट है सन टेम्पल कोणार्क, तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह कहाँ है, तो वह ओडिशा में है और इसे 1984 में नोटिफाई किया गया था। नेक्स्ट है ताजमहल, ताजमहल कहाँ है, ताजमहल आगरा में है, आगरा कहाँ है, आगरा उत्तर प्रदेश में है और इसे 1983 में नोटिफाई किया गया था। नेक्स्ट है जंतर मंतर, जंतर मंतर नॉर्मली लोगों को कहाँ लगता है, दिल्ली का जंतर मंतर, क्योंकि वह बहुत फेमस है अन्ना हजारे जी के अनशन से रिलेटेड। तो जंतर मंतर एक जगह पे नहीं है, ऐसे जंतर मंतर जयपुर में है, दिल्ली में है, बनारस में है। तो याद रखिए जो जंतर मंतर की बात मैं कर रहा हूँ वह राजस्थान में जयपुर में है और इसे 2010 में नोटिफाई किया गया था। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, तो नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे, यह बिहार में है और इसे 2016 में नोटिफाई किया गया था, इसलिए यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे नालंदा महाविद्यालय जो है, यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में सबको पता है क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक है और यह इतिहास से रिलेटेड है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है और 2016 में इसे नोटिफाई किया गया था, इसलिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये अपने आप याद हो जाता है कि यह बिहार में उपस्थित है। नेक्स्ट है आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बुजियर, एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मोनूमेंट्स मूवमेंट। तो आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ जो ली कार्बुजियर वह कहाँ पे है, तो ली कार्बुजियर का जो आर्किटेक्चरल वर्क है वह चंडीगढ़ का जो सिटी है, मोहाली सिटी है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यह भी 2016 में नोटिफाई किया गया था, इसलिए भी यह इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखिए नालंदा यूनिवर्सिटी, आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बुजियर कहाँ पे है, चंडीगढ़ में। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो 2014 से 2018 के बीच में, 2013 से 2018 के बीच में जो भी नए नाम, उनके लोकेशन जरूर रखिए। नेक्स्ट है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद इसे अभी पिछले वर्ष 2017 में इसे शामिल किया गया था। तो अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में है और अहमदाबाद सिटी जो है इसे 1411 में अहमद शाह द्वारा स्थापित किया गया था। मैं इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 2017 में पूछा, 2017 में इसे सूची में डाला गया था, तो 2017 और 2018 के जो भी सूची में डाले गए हैं स्थल, उनके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है स्टेटमेंट में, लेकिन जो पहले के हैं उनके लोकेशन के बारे में पूछ सकती है। तो अहमदाबाद के बारे में इतना याद रखिए कि इसे 1411 में अहमद शाह ने स्थापित किया था और यह गुजरात में है। और दोस्तों बहुत लोगों को यह दुविधा रहती है कि गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है, नहीं, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, गांधीनगर है, क्योंकि यूपीएससी स्टेटमेंट में सीधे सीधे अहमदाबाद पे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकती है कि इसकी स्थापना 1411 के बदले बोल देंगे कि 1511 में दिया था, या फिर 1411 में ईयर तो सही देंगे लेकिन अहमद शाह के बदले किसी और मुस्लिम शासक का नाम दे देंगे। तो याद रखिए इसे 2017 में इस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में डाला गया था और यह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है जो अभी 2018 में पिछले वर्ष ही सूची में नया जो मोनूमेंट है या जो बिल्डिंग है उसे शामिल किया गया था, वह है मुंबई का विक्टोरियन आर्ट डेको एंसेम्बल्स। तो दोस्तों याद रखिए जो विक्टोरियन आर्ट डेको एंसेम्बल्स है यह मुंबई में है, महाराष्ट्र में है और 2018 में इसे शामिल किया गया था। लेकिन इसके बारे में भी याद रखिए यह एक बिल्डिंग नहीं है, यह ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स है, जैसे इसमें मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट आ जाता है, देन राजाबाई क्लॉक टावर्स भी इसी में शामिल है, देन जो जिला सत्र न्यायालय है वह भी इसी ग्रुप में शामिल है। तो याद रखिए पूछ सकते हैं कि विक्टोरियन आर्ट डेको एंसेम्बल्स ये केवल मुंबई हाई कोर्ट को ही
शामिल करता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस लोकेशन के बारे में आप ज़रूर याद रखिए, 2014 2013 से जो भी सूची में नए आए हैं उनके लोकेशन तो ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट है मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट है। क्यों मैं आपको अभी बताता हूँ क्यों यह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, वेरी आईएमपी है ये। तो पहले हमारे भारत में जो एक ही स्थल मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में है तो वह है कंचनजंगा नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट, और यह सिक्किम में है याद रखिए। और इस पार्क में लेपचा जनजाति के भी लोग रहते हैं, तो यहीं से एक और बन गया कि लेपचा जनजाति कहाँ की है, तो यह सिक्किम से बिलोंग करती है, सिक्किम से संबंधित है। और कंचनजंगा नेशनल पार्क को विश्व धरोहर सूची में कब डाला गया था, तो इसे 2016 में डाला गया था। इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट है और एकमात्र मिक्स्ड विश्व धरोहर है स्थल है जो भारत में उपस्थित है। तो और एक बात, पिछले ही वर्ष 2018 में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में डाला गया, तो इसलिए भी यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका लोकेशन क्या है, कहाँ है, और इसमें जो जनजाति है वो कौन सी है, देन यूपीएससी जो है तीन चार स्टेटमेंट दे देगी। पहले तो इसका लोकेशन सिक्किम के बदले आसाम बोल देगी, हाँ। दूसरा है, दूसरा क्या होगा, दूसरा बोल देगी कि कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है उसे 2018 में विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के का दर्जा मिला है, और 2016 में बायोस्फीयर रिजर्व के वर्ल्ड नेटवर्क में जो यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें डाला गया, तो उल्टा करके दे सकती। तो याद रखिए 2016 में विश्व धरोहर बनी थी और 2018 में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इसे शामिल किया गया। इसी के साथ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भारत की कुल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई, यह भी याद रखिए। यह भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क साइट में आया है, और पहला कौन सा है, पहला नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, यह भी याद रखिए। तो दोस्तों हमारा जो ये डिस्कशन है विश्व धरोहर सूची के बारे में, विश्व धरोहर स्थलों की सूची के बारे में, वो यहीं पे समाप्त होता है। तो याद रखिए भारत में कुल 7 प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं, 29 अर्थात 29 सांस्कृतिक हैं और एक मिक्स्ड है, क्योंकि यूपीएससी आपको ऐसे भी उलझा के दे सकती है कि 7 कल्चरल है और 29 प्राकृतिक है, तो उल्टा हो जाएगा। और अगर जैसा मैंने आपको पहले बताया, पिछले जो 5 वर्षों के हैं जो इस सूची में नए आए हैं उनको तो आप ज़रूर याद रखिए, उनके बारे में अगर नहीं याद रखना लेकिन उनके लोकेशन के बारे में तो ज़रूर याद रखना, और जो पिछले 2 वर्ष में आए हैं उनके बारे में भी याद रखिए। तो जैसे अहमदाबाद और विक्टोरियन गोथिक जो है आर्ट जो बिल्डिंग है उसके बारे में ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये दोनों के बारे में ही यूपीएससी पूछ सकती है। तीसरा कंचनजंगा, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो हमारा डिस्कशन है हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।